हेलो एवरीवन, जय श्री राम। दोस्तों, अगर आप वीडियो में पहली बार विजिट कर रहे हो या चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एवरीवन, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है जो नया अपकमिंग आईपीओ आने वाला है, जिसका नाम है आदित्य TMT बार्सका लिमिटेड का आईपीओ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि मैं इसमें आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, हम इसमें बात करेंगे GMP की, जिससे हमें लिस्टिंग गेन का थोड़ा बहुत अंदाजा लगेगा कि इसका फ्यूचर कैसे रह सकता है और या इसका लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है। बात करेंगे फिर कंपनी करती क्या है, जैसे कि आपको बार्स से तो पता चल गया होगा कि कंपनी करती क्या है, तभी मैं आपको, जिसको लोगों को नहीं पता वो वीडियो के अंदर बने रहें, आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो को अंत जरूर देखना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि बहुत सारे कॉन्टेंट होते हैं जो आपको प्रोवाइड होंगे। आपको अगर आपको शेयर मार्केट ट्रेडिंग या कुछ भी सीखना हो तो आपको सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, इसमें आपको बहुत सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। और बाकी दोस्तों, मैं इसमें फुल रिव्यू करूंगा इस आईपीओ का। हाँ, रिव्यू करने से पहले दोस्तों एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के हिसाब से बनाई जाती है, आप अपना रिस्क और अपना एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करें। मैं जितना भी आपको बोलूँ अप्लाई करने के लिए, पर आपको नहीं करना क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के हिसाब से होती है। अपना रिस्क और अपना एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने कर सकते हो अप्लाई, और अगर नहीं लगता तो आप वेट कर सकते हो। बाकी एनालिसिस तो अपना खुद ही करना, ठीक है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर आपका कुछ लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ या ना कोई मैं डाटा एनालिस हूँ, मतलब एनालिस। ठीक है, बस आपको क्या करना, वीडियो को अंत जरूर देखना, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। आइडिया देने के लिए मैं हूँ और एक नॉलेज देने के लिए हूँ। ठीक है, फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सब्सक्राइब करके रखना चैनल को क्योंकि वो नए नए कॉन्टेंट आएंगे, सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, तो चेकआउट कर लेना। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को करते हैं शुरू। तो एवरीवन, जैसा कि मैंने बताया है, नाम है आईपीओ का आदित्य अल्ट्रा स्टील लिमिटेड। जैसा कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कंपनी क्या करती क्या है, स्टील की कुछ चीज़ें बनाती होंगी जैसे कि आपको पता चल गया। जैसे कि कंपनी करती क्या, ये कंपनी लगभग 2011 में इनको मतलब फाउंडेड हुई थी कंपनी। ये जो कंपनी करती करती क्या, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि TMT बार्स, यानी TMT जो जो सरिया होते हैं उसे बनाने का ही कंपनी वर्क करती है, जो स्टील के सरिये होते हैं ये उसका वर्क करती है। बाकी दोस्तों, ये जो कंपनी ने, जिस कंपनी, जो ब्रांड नाम, जिस नाम से ये कंपनी लगभग वो ब्रांड का वर्क कर रही है, उस कंपनी का नाम है कामधेनु। ठीक है, कामधेनु वो है, इसका मतलब ये ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्ट है कंपनी, पर ये इसके नाम से मतलब अपना प्रोडक्ट सेल कर लिए। बाकी जो इसका जो नाम यूज कर रही है उसी के अकॉर्डिंग अगर बात करूँ तो लगभग ये थोड़ा बहुत मतलब पैसा नाम के जो अकॉर्डिंग कंपनी को प्रोवाइड करवाती है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो ये स्टील जो मतलब स्टील्स होते हैं बता दे सरिये उसके ये वर्क करती है मैन्युफैक्चरिंग। बाकी ये कंपनी जो वर्क कर रही है वो अभी गुजरात में कर रही है, पूरे गुजरात में नहीं, लगभग आधे गुजरात में ये वर्क करते हुए दिख रही है हमको। बाकी कंपनी के जो फुल टाइम एम्प्लॉय की बात करें, लगभग 149 इसके फुल टाइम इसके एम्प्लॉय है, यानी एक एक सरिया बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और बात करते हैं अगर हम कंपनी के जो इसमें एसेट्स दिए गए हमको, लगभग एसेट में तो हमें अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने, पर इसमें कुछ थोड़ा ग्लिच आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे 91 तो कर यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको 14 दिख रहा है। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत आपको इसमें वो मिल जाएगा। बाकी इसकी फुल इन्फॉर्मेशन आपको इसकी वेबसाइट पे देखने के लिए हमें मिल जाएगा। बाकी अगर बात करूँ रेवेन्यू की, रेवेन्यू में लगभग हमें अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिला है, क्योंकि कुछ जो इसमें हमें जो जिसमें हम मतलब जिसमें से मैं आपको एक PDF बना के देता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन देता है वो एक चित्तौड़ नाम से एक वेबसाइट है, उसमें से हम मतलब ये PDF बनाते हैं, यानी एडिटर बनाता है, और मैं आपको इसमें से इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। बाकी जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कुछ होता है कि जो वेबसाइट होते हैं उसमें ग्लिच के चक्कर में कुछ या कुछ इन्फॉर्मेशन गलत दे देते हैं, इसलिए आप अपना रिस्क भी आप खुद भी एक बार रिसर्च करके जरूर देखे करो। ठीक है, बाकी रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू में तो अच्छा ग्रोथ देखने के लिए हमें मिला, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अच्छा मिल रहा ग्रोथ। बाकी हम प्रॉफिट एंड आफ्टर टैक्स की बात करें, इसमें टैक्स में भी लगभग
अच्छा इसमें ग्रोथ है, जो कि देखो ये देखिए नंबर्स ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये नंबर्स ये बहुत पता नहीं उल्टे सीधे नंबर्स दिए गए, जो कि इसमें एक फिक्स नंबर दिया नहीं गया। ये थोड़े मुझे बहुत डिसएडवांटेज लगा, यानी गलत लगा मुझको देखने के लिए। यानी तुम अपना रिसर्च खुद कर लेना है, थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा इंफॉर्मेशन जो एसेट्स की है, बस एसेट्स में दिक्कत है, बाकी सब जो आगे वीडियो है उसमें सब कुछ सही दिया गया है। नेटवर्थ क्या करें, नेटवर्थ में तो लगभग अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिला है, ठीक है। और बात करें अगर रिजर्व चैनल प्लस की, तो इसमें भी लगभग अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिला है। टोटल बोरिंग की बात करें, बोरिंग तो थोड़ा भी कंपनी ने थोड़ा बड़ा हुआ है कंपनी का बोरिंग, बाकी कंपनी जो पैसा मांग रही है थोड़ा अपनी थोड़ी बोरिंग मतलब बढ़ाएगी कंपनी। बोरिंग बढ़ाने के बाद वो कंपनी करेगी क्या, थोड़ा कंपनी को एक्सपेंड करना है, उसके लिए भी पैसा मांग रही है कंपनी। बाकी कंपनी का जो ओपन होगा, ओपन होने से पहले बता दो, तो जिस समय मैं भी वीडियो शूट कर रहा हूँ इस समय भी इसका GMP ओपन नहीं हुआ है। बाकी GMP जैसे ही ओपन होता है आपको टेलीग्राम पे अपडेट्स कर दिया जाएगा, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम उसी से ज्वाइन होइए। अगर आप इधर उधर से ज्वाइन होते हो तो आप फ्रॉड के शिकार बन सकते हो, इसलिए टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करें। बात करें अगर कंपनी का जो लिस्ट होगा, लिस्टिंग डेटा भी वीडियो के आगे बता दूंगा। कंपनी का जो फेस वैल्यू रखा गया है लगभग 10 रुपये पर शेयर रखा गया है, कंपनी का लगभग 62 इसका कट ऑफ टाइम रखा, कट ऑफ वो रखा गया है प्राइस बैंड। और लॉट साइज लगभग बात करें जब लगभग इसमें 2000 शेयर होंगे, अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करोगे लगभग 1000 वो 1,24,000 आई थिंक इसके अकॉर्डिंग आपको एक अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हैं। बाकी कंपनी की बात करें, कंपनी जो इशू कर रहे हैं, कंपनी ने लगभग 45 करोड़ रुपए कंपनी ने इशू कर रहा है। कंपनी का जो फ्रेश इशू है लगभग 45 करोड़, यानी कि पूरा कंपनी अपना कुछ कंपनी एक्सपेंड करेगी, या कंपनी को तो एक तो कंपनी क्या करेगी, थोड़ा कंपनी अपने को एक्सपेंड करेगी, उसके लिए थोड़ा पैसा मांग रही है। बाकी किसी किसी और नाम से प्रोडक्ट व्यक्ति जो कि मैंने बताया था कामधेनु, एक वो लिस्ट है ऑलरेडी, उसके से ये मतलब टाइप करके ये बेचती है, इसे थोड़ा अपना भी मतलब एक ब्रांड बनाना उसके लिए, ये थोड़ा एक्सपेंड करने के लिए थोड़ा पैसा मांग रही है। बाकी NSE के सेक्टर में लिस्ट होगा, बाकी शेयर होल्डिंग पर इशू तो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो बाकी मैं ROC की बात करूँ, लगभग ROC लगभग 15% से ऊपर होनी चाहिए, जो कि है ये मुझे प्लस पॉइंट लगा देखने के लिए। बाकी ROCE भी लगभग सही लगा देखने के लिए, 15% से ऊपर होनी चाहिए, पर मुझे इसमें डेप्ट ज़्यादा देखने के लिए मेरा लगभग डेप्ट जो कि लगभग 1% से ऊपर है, यानी लगभग 1.5% है, जो कि मुझे बहुत माइनस लगा, ठीक है। तो ये मुझे बहुत नेगेटिव लगा डेप्ट देखने के लिए। बाकी R1W की बात करें जो कि लगभग ये 15 से ऊपर होनी चाहिए, ये भी बढ़िया है, पर मैं वैल्यूशन की बात करूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा बस इसमें डेप्ट नेगेटिव देखने के लिए मिला। बात करें जो IPO क्लोज कब होगा, ये अपन ओपन तो बता ही दिया मैंने, ओपन तो 9 तारीख को हो जाएगा। क्लोज की बात करें तो क्लोज आपको 11 तारीख को ही क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट तो दोस्तों वैसे तो आपको 12 तारीख को अलॉटमेंट मिल जाएगी, पर आपको इन्फॉर्मेशन मैं टेलीग्राम पर देता रहूँगा कि अलॉटमेंट कहाँ देखना है, किस वेबसाइट पर देखना है, कि आपको अलॉटमेंट मिलते हैं आप अपना भी अपना आप हमें बता सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपको जो रिफंड है, रिफंड भी आपको 13 तारीख को मिल जाएगा उसके अगले दिन। बाकी डीमेट अकाउंट में जो शेयर्स क्रिएट होंगे वो आपको 13 तारीख को क्रिएट होते हुए हमें दिख जाएंगे। बाकी लिस्टिंग डेट की बात करें लगभग 16 तारीख को ये लिस्ट होते हुए दिख जाएगा। इसका जो कट ऑफ टाइम रखा गया है वो लगभग 11 मतलब 11:28 तारीख तक शाम को 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो, इस पर जो कट ऑफ टाइम रखा गया। वैसे तो कंपनी का सेक्टर बढ़िया है। तो दोस्तों देखो इससे मैंने पूरा इसमें रिव्यू करा है, पूरा इसका GMP भी बता दिया, जैसे जियो चल रहा है GMP, ठीक है। पर दोस्तों GMP का अंदाजा होता है जिससे हमें थोड़ी लिस्टिंग का पता चलता है। तो बाकी आप अपना रिस्क के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करें, और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें एवरीवन। और अब मैं अपना इसमें पूरा कंक्लूजन और अपना पर्सनल ओपिनियन देने जा रहा हूँ। कंक्लूजन ये है कि अभी मैं वेट करता हूँ, मैं अप्लाई के लिए वेट करूँगा। पहले या दूसरे दिन का हमें सब्सक्रिप्शन देखना चाहिए, इसका GMP भी देखना चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा होल्ड करूँगा अभी पहले दूसरे दिन, उसके बाद हम शायद अप्लाई करने की सोचेंगे, अभी कोई कन्फर्म नहीं है, मैं अपना पर्सनल एनालिसिस बता रहा हूँ। बाकी
आप अपने रिस्क और अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करें। मुझे कंपनी का सेक्टर बड़े लगा क्योंकि ऑलरेडी घर के जो घर बनते हैं उसमें सरिया बनाने की वर्क करती है, तो कंपनी का सेक्टर तो बढ़िया लगा मुझको। और अभी डिमांडिंग सेक्टर है नहीं इतना क्योंकि कंपनी का भी इशू, कंपनी जब इशू तो कर देगी कंपनी शेयर पर। अभी NII OI इनको भी वेट करना चाहिए कि ये इंटरेस्टिंग है भी आपकी नहीं है, तो मैं तभी वेट करूँगा। आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। अगर चैनल सब अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें एवरीवन, क्योंकि हम ऑलरेडी आपके लिए बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको देंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना है, क्योंकि आपके लिए आप बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आप इससे मिस हो जाओगे और आप शेयर मार्केट या ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे। सबको सब्सक्राइब करना, लाइक करना है और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। बाकी दोस्तों शेयर जरूर करना अपने दोस्त को, क्योंकि अगर वो अप्लाई करने वाला है तो उसको एक थोड़ी हेल्प भी मिल सके इस वीडियो के माध्यम से। तो अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैंने अपना ओपिनियन दे दिया, बाकी लिस्टिंग गेम की अभी बात कर वेट करेंगे हम कि थोड़ा इसका GMV भी ओपन हो जाने दो। और बाकी हम सेक्टर बढ़िया मुझे लगा, लॉन्ग टर्म सेक्टर अच्छा है, ठीक है, वेट करूँगा मैं तो। और अपना ओपिनियन तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपना, कि अगर आप अप्लाई करोगे तो किस रीजन से करोगे, इससे थोड़ा बहुत मुझे भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर नहीं करोगे आप अप्लाई तो किस रीजन से नहीं करोगे उसका भी बता सकते हो। तो सब कुछ का आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है टेलीग्राम, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसमें आपको अपडेट्स मिलेंगी। और बाकी आपको अगर अलॉटमेंट मिलता है तो आप हमें टेलीग्राम वो इंस्टाग्राम की लिंक है, आपको मेरी ट्रेडिंग वाला जो ट्रेडिंग का है उसका लिंक है आपको, तो आप वहाँ पे हमें मेंशन कर सकते हो, जिससे मुझे पता चलेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे हैं उनमें से किस किस को अलॉटमेंट मिलता है, किस को नहीं मिलता। तो आप अपना ओपिनियन भी सब कुछ आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर मतलब बता सकते हो आप हमको ओपिनियन अपना, सॉरी ओपिनियन बता सकते हो आप हमको। नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम पे आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो, बाकी कमेंट भी कर सकते हो इसी वीडियो में। बाकी और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सब्सक्राइब करके जाना एवरीवन।